वी द पीपल, हम भारत के लोग। 2003 में जब समण समाज के, यानी जो बुद्ध का समाज है, जो भारत के समण समाज हैं, भारत के गरीब समाज हैं, जो भारत के वंचित समाज हैं, जिसको बुद्ध ने समण कहा, उनके जो संगठन बने अपने कल्याण के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपने फायदे के लिए, जब वो टूटने लगे तो बहुत सारे लोगों को दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि एक उम्मीद की किरण जो दिखाई दी थी बहुत सालों बाद, लगभग 400-500 साल बाद, कि अब दोबारा से भारत आगे बढ़ेगा और भारत के सभी लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी, उनको शिक्षा और एजुकेशन मिलेगी, उनको घर, उनको कोठी बंगला कार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनको काम मिलेगा, उनको सेहत मिलेगी, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। वो संगठन जो समण समाज के थे, वो जब टूटने लगे 2003 में, तो बहुत सारे लोगों को दुख हुआ और उन्होंने ये प्रतिज्ञा प्रण किया कि हम अपनी आखिरी सांस तक भी जो समण समाज के, बहुजन समाज के या मूल निवासी समाज के संगठन हैं, उनको एक कर रखेंगे, पूरे समाज को एक करेंगे, जैसा बाबा साहब ने कहा है संगठित रहो, जैसा बुद्ध ने कहा है कि एक ही संघ होगा, जैसा संतों ने और महापुरुषों ने कहा है कि संगत में रह जाना है, वैसे ही वो करके रखेंगे। यही प्रयास 2003 से लगातार 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 बहुत सारे लोग करते रहे और बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए, इस उम्मीद में कि ये शायद इकट्ठे हो जाएं। लगभग 4 साल पहले बहुत सारे साधारण लोगों ने, जो ये संगठन चला रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 के आसपास बताई जाती है, उनसे निवेदन किया कि आप सब इकट्ठे हो जाइए, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तब तक समण समाज का, बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का भला नहीं हो सकता। ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से बताई गई, कई बार उनको बुलाया गया, अलग अलग लोगों ने उनको बुलाया, वी द पीपल में जो लोग सक्रिय हैं उन्होंने भी बुलाया, पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया। 4 साल पहले लगभग जो लोग आए, जो कुछ संगठन चलाते हैं अच्छे अच्छे, उनसे जब ये कहा गया कि आप सबको एक होना है, तो बड़े ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि उन लोगों ने, किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की कि उनको एक होना है, और वो मीटिंग में आए और अपनी अपनी बात कहते रहे। उनकी बातों से एक निष्कर्ष निकला कि वो सभी के सभी लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि आगे क्या समय आने वाला है और उसको कैसे लड़ा जा सकता है। उनमें से किसी ने भी एक साथ आने की बात नहीं की, पर किसी ने नकारा भी नहीं। वो अपनी अपनी बात कहते रहे और उनकी बातों से ऐसा जाहिर हुआ कि वो सभी चाहते हैं कि इकट्ठे तो हो जाएं, मगर नेता मैं रहूं। नेता का एक झगड़ा वहां दिखाई दे रहा था, जो पर्दे के पीछे चल रहा था, क्योंकि सभी आदमी मैं और मेरा संगठन और मेरी बात, उसी में लगे रहे। किसी ने भी हम और हमारे के बारे में कोई बात वहां की नहीं। तो ये बात समझ में आई कि जो 6,743 जातियों के लिए जो ये लोग लड़ रहे हैं, लगभग 10,000 संगठन बनाकर, और ये कहते हैं कि जातियां खत्म करो, ये जातियां हमारा विनाश करती हैं, ये जातियां हमें तोड़ती हैं, ये जातियां हमें आपस में मिलने नहीं देती हैं, इन जातियों से हम बटे हुए हैं, इन जातियों के कारण हमारा नुकसान हो रहा है, इन जातियों के कारण हम वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, इसलिए इन जातियों को ख़त्म करके एक बहुजन समाज बना जाए। और ऐसा कहने वाले 10,000 संगठन हैं, यानी कि 10 के 10,000 संगठन आपस में मिले हुए नहीं हैं, वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे जातियाँ करती हैं। वो अपने जो भक्त हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनको कहते हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, दूसरे संगठन में आप जाना भी नहीं, बात भी नहीं करना, वो संगठन के लोग बेकार हैं, उनसे बातचीत नहीं करनी है, उनसे मिलना नहीं है, उनसे जुड़ना नहीं है, वो संगठन तो चोर है, वो चंदाखोर है, और वो संगठन ऐसा है और हम ही सबसे अच्छे हैं। ये 10 के 10,000 संगठन कहते हैं, चाहे वो धम्म के संगठन हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं, चाहे वो दल बल सेना संगठन लड़कों के बनाए हुए संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो आर्थिक संगठन हैं, चाहे महिलाओं के संगठन हैं, चाहे युवाओं के संगठन हैं, चाहे किसी भी प्रकार के समाज में संगठन है, जो बहुजन मूल निवासी या समण समाज के संगठन है, यानी कि वो वही काम कर रहे हैं जो जातियां कर रही हैं, और वो जातियों को दोष लगाते हैं और खुद वही काम कर रहे हैं। जैसे जातियां विघटन कर रही हैं, तोड़ती हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है संगठित हो जाओ। अरे भाई, बाबा साहब ने कहा है संगठित हो जाओ, तो तुमने 10,000 संगठन क्यों बना लिए? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि तुम 10,000 संगठन बना के संगठित होना?
कहीं बाबा साहब ने ये कहा था कि तुम अलग अलग संगठन बनाना, ये कॉमन सेंस की बात है। एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि परिवार के अंदर परिवार को एक साथ रहना चाहिए, अलग अलग रहेंगे तो कोई भी पीट पाट के उनको चला जाएगा, कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये 10,000 के 10,000 जो विचारक संगठन हैं, या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि विचार शक्ति है, जानकारी हथियार है, जो ये कहते हैं कि सबको संगठित होना चाहिए, उनको इतनी भर भी अकल नहीं है कि अरे भाई पहले तुम तो संगठित हो जाओ। जब तुम ये कहते हो कि जातियाँ हमें तोड़ा गया है और ये हमारे दुश्मन ने बनाई हैं, अरे भाई तुम अपने दुश्मन खुद हो, तुम में तो अकल ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ नंबर वन हो। तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि वो जातियाँ जो बाहर के दुश्मन ने तोड़ी हैं, यहाँ जो तुम तोड़ रहे हो तो तुम उससे बड़े दुश्मन हो। अब 6,743 जातियों को इकट्ठा करें या 10,000 संगठन जो उनको इकट्ठा करने के लिए बनाए हैं उनको इकट्ठा करें तो 16,743 हो गई हैं, तो अब ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो समस्या बढ़ा दी तुमने, तो समस्या ख़त्म करने की बजाय, और तुम इकट्ठा होने का नाम नहीं लेते क्योंकि तुमको अपनी प्रधानी, तुमको अपना बीच की कुर्सी, तुमको चंदा धंधा और तुमको जो ऐशो आराम और जो गाड़ी में पेट्रोल और गाड़ी और जो तुम्हें मान सम्मान और जो तुम्हारी वाहवा होती है, तुमको दिखाई नहीं देता कि समाज ख़त्म होने वाला है। जब ये समाज पूरा ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें कौन बीच की कुर्सी बैठाएगा, तुम्हारा कहाँ संगठन रहेगा, तुम कहाँ के नेता रहोगे, तुम कहाँ MP MLA और कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ प्रधानमंत्री बनोगे, तुम तो ख़त्म हो जाओगे। और तुम बाद में ख़त्म होगे, उससे पहले तुम हमें ख़त्म कर दोगे जैसा तुमने हमें ख़त्म कर दिया है। क्योंकि तुम कभी इकट्ठे नहीं हुए इसलिए हमारी सारी नौकरियाँ चली गई, तुम कभी इकट्ठे नहीं हुए इसलिए हमारे जितने भी डिपार्टमेंट थे वो बिक गए, प्राइवेट हो गए, तुम कभी इकट्ठे नहीं हुए इसलिए राजनीतिक में कभी हमारे हिस्सेदारी हमको मिल ही नहीं पाई, तुम कभी इकट्ठे नहीं हुए इसलिए धम्म भी हमारा टुकड़ों टुकड़ों में रहा और आगे नहीं बढ़ पाया, तुम कभी इकट्ठे नहीं हुए इसलिए हम अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाए, हमारा बिजनेस का कोई प्लेटफॉर्म बन ही नहीं पाया, तुम इकट्ठे नहीं हुए इसलिए संविधान तुम्हारी आंखों के सामने फाड़ा गया और जलाया गया और कहीं कुछ नहीं हुआ, तुम इकट्ठे नहीं हुए इसलिए बाबा साहब का कारवां जिसको तुम चिल्लाते रहते हो कि ये कारवां पीछे जा रहा है पीछे जा रहा है, वो तो वहीं चला गया जहां से बाबा साहब ने उठाया था। तुम्हारे जैसे निकम्मे विचारकों, तुम्हारे जैसे निकम्मे बुद्धिजीवी, तुम्हारे जैसे निकम्मे संगठन चलाने वाले नेता, तुम्हारे जैसे निकम्मे और नालायक लोग तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे संविधान और सारी सारी सुविधाएं जो बाबा साहब लेके आए थे वो चली गई। तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि 10,000 संगठन थे और 10 के 10,000 संगठन मूक बन के बैठे रहे और इकट्ठे नहीं हुए और लोगों को कहते रहे, हम जैसे लोगों को कहते रहे कि इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ, अरे हम तो इकट्ठे हो गए भाई। 2 अप्रैल 2018 को तुम्हारे बिना हम अपना एक अधिकार बचा लाए, हम सिर्फ सड़क पर आके खड़े हुए इकट्ठे, हमने सब जितने भी तुम्हारे जैसे नेता थे उनको लात मार दी, उनको नकार दिया और हम कामयाब हो गए। जबकि कुछ नेताओं ने तो फतवा भी जारी किया कि ये जो आंदोलन है ये उनका नहीं है, इस आंदोलन में हिस्सेदारी ना लें, तो कुछ उन नेताओं के भक्तों ने इसका विरोध भी किया, बाकायदा लिखित में इसके ऑर्डर भी निकाले। तो ऐसे ऐसे भी जो समण समाज, जो बहुजन समाज और जो मूल निवासी समाज के विद्रोही का काम किया है वो काम भी 2 अप्रैल 2018 को हुआ। इसलिए जो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा चिंता थी और जो साधारण थे उनको ये बात समझ में आई कि भाई ये नहीं इकट्ठे होंगे, इसलिए हमको इकट्ठे हो जाना चाहिए क्योंकि अगर हम इकट्ठे हो गए तो ये अपने आप आ जाएंगे। इसलिए ये तय हुआ कि 5% एनर्जी इस बात पे लगाई जाए कि ये लोग इकट्ठे हो जाएं और 95% एनर्जी इस बात पे लगाई जाए कि हम इकट्ठे हो जाएं। तो विदा पीपल का जन्म होता है, हम भारत के लोगों का इकट्ठे होने का जन्म होता है, हम भारत के लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। तो इकट्ठा होने के लिए अभी तो कोरोना है तो वर्चुअल मीटिंग लगानी आरम्भ हुई और वर्चुअल मीटिंग में ये तय हुआ कि पूरे देश के अंदर जितने लोग हैं किसी भी प्रकार के हैं, जो मूल निवासी बहुजन या समण समाज के हैं, सबको इकट्ठा करना है। तो इसे इकट्ठा करने में 17 प्रकार के लोग छांटे गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपको वहाँ लगता है, जिसमें एक सफाई कर्मचारी हर जिले के अंदर होना चाहिए, यानी 742 जिले हैं आज के समय, तो 742 जिले में एक जिले के अंदर 17 प्रकार के लोग इकट्ठे होने चाहिए, एक परिवार की तरह रहने चाहिए, वो छांटने चाहिए कौन से अम्बेडकरवादी हैं, कौन से फूलेवादी हैं, कौन से संविधानवादी हैं जो संविधान पर चलते हैं। तो उसमें एक सफाई कर्मचारी, एक उसमें फोर्स का रिटायर्ड आदमी या फोर्स का कैसा भी आदमी या पुलिस फोर्स का आदमी जो लोगों की सहायता कर सके, एक महिला, एक उसके अंदर शिक्षक, एक उसके अंदर बैंक वाला, एक उसके अंदर बिजनेसमैन, एक उसके अंदर डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक उसके अंदर युवा, एक उसके अंदर छात्र, एक उसके अंदर जो रिटायर्ड पर्सन है वो,
एक उसके अंदर किसान, एक उसके अंदर मजदूर, एक उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रहता हो, जो जानता हो, एक छात्र, एक पत्रकार, एक आईटी स्पेशलिस्ट, ये सारे मिला के लगभग 17 प्रकार के लोग जो एक ज़िले में होने चाहिए। प्रकार 17 हैं, लोग हजार हो सकते हैं, जैसे 100 टीचर हो सकते हैं या प्रोफेसर हो सकते हैं, या 100 डॉक्टर हो सकते हैं, 200 डॉक्टर हो सकते हैं ज़िले के अंदर, उनके कंपाउंडर हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले हो सकते हैं, ये उनकी एलाइड सर्विसेज के हैं, या नर्स हो सकती हैं, या वार्ड बॉय हो सकते हैं, या एक इंजीनियर या 100 इंजीनियर हो सकते हैं, उनके साथ उनका स्टाफ हो सकता है, छोटे बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, या एक वकील या 100 वकील या 5 वकील या 30 वकील या वकील का स्टाफ, मुंशी वगैरह ये हो सकते हैं, या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या एक पुलिस वाला या एक रिटायर्ड CRPSP का आदमी या एक मिलिट्री का आदमी, इन सभी लोगों को वहाँ इकट्ठा करना है। किस लिए इकट्ठा करना है? जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के पैंडेमिक में लोगों को सहायता नहीं मिल पाई, सारे लोग सरकार पर निर्भर रहे, और सरकार का जो मशीनरी होती है, जो लोग होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, तो लोगों को खुद सहायता करनी चाहिए। तो सहायता करें कैसे? क्योंकि कोई आदमी जो बीमार है वो किसको फ़ोन करे या किससे बात करे कि उसको क्या सहायता चाहिए, तो नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि डॉक्टर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं लोगों से, हमारे लोगों से, वकील आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, जो इंजीनियर हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, जो पुलिस के या जो मिलिट्री के या जो पैरामिलिट्री के जो रिटायर्ड लोग हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, या जो जितने भी हमारे छात्र हैं या बेरोजगार हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, या जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई नहीं है, या जो बैंकर्स हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, रिटायर्ड हैं या जैसे भी हैं, वो जुड़े हुए नहीं हैं, या जो हमारे इस समय रिटायर्ड लोग हैं या जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, या जो किसान मजदूर हैं, वो सब जितने भी तरह के लोग हैं 17 प्रकार के, या पत्रकार हैं या कोई IT स्पेशलिस्ट हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। तो जब 17 प्रकार के लोग और वहाँ सैकड़ों की संख्या में ज़िले के अंदर एक दूसरे को जानेंगे, तो किसी के बच्चे का एडमिशन होना है तो कहेंगे कि भाई कितने टीचर यहाँ जुड़े हुए हैं, मान लो वहाँ 300 टीचर जुड़े हुए हैं, तो वो बताएंगे इस स्कूल में वैकेंसी है, इस कॉलेज में वैकेंसी है, इस ज़िले में वैकेंसी है, या वो ज़िले आपस में जुड़े होंगे तो बताएंगे कि दूसरे ज़िले में यहाँ वैकेंसी है तो यहाँ जा सकते हैं। किसी के बच्चे को नौकरी लगी दूसरे स्टेट में लगी, तो वो दूसरे स्टेट में वहाँ ज़िले में जो लोग होंगे वो जुड़े हुए आपस में होंगे, तो वो कहेंगे कि आप अपने बच्चे को भेज दो, हम यहाँ अम्बेडकर भवन में या बुद्ध विहार में या कविदास भवन में या रविदास भवन में या गार्ड के भवन में या जो भी भवन वहाँ अवेलेबल है अपने समाज का, उसमें वहाँ रुकने का प्रबंध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर जैसा माहौल है, उसे किराए का मकान भी दिलवा देंगे, कोई दिक्कत होगी तो परेशानी दूर कर देंगे। कोई व्यक्ति घूमने जाता है, दिल्ली घूमने आता है, दिल्ली में उसके साथ लूटपाट ना हो, ऑटो वाला उसका ज़्यादा पैसा ना ले, टैक्सी वाला ज़्यादा पैसा ना ले, वो रास्ता ना भटक जाए, उसकी जेब कट जाए, तो उसे मदद मिल जाए, कहीं उसके रुकने का कहीं ठिकाना ना हो तो रात बिरात में रुक जाए, कोई परेशानी हो उसकी, कोई फ्लाइट मिस हो गई, कोई ट्रेन मिस हो गई, कोई बस उसकी मिस हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, तो यहाँ दिल्ली में जो लोग होंगे वो जुड़े हुए होंगे आपस में, तो वो उसकी मदद कर देंगे। कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, देश के बाहर नौकरी करना चाहता है, तो बाहर बैठे लोग उसको सब बता देंगे कि कैसे क्या काम कैसे होना है, इसमें बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो तरीका है और ये जो आपस में इंटरनेटिंग का है या जो इंटरनेट का या इंटर नेटवर्किंग का है, जाल बना के काम करना है, एक दूसरे को जानने के बाद काम करना है, ये पूरी दुनिया में चलता है और पूरी दुनिया में होता है। जैसे सिख के जो लोग हैं जिनके गुरुद्वारे हैं वहाँ आप जाके रुक सकते हो, आप भी रुक सकते हो, बाकी सिख अगर हैं तो रुक सकते हैं, और अगर सिंह सभा के या उनकी सभा का मेंबर हैं तो वो तो फिर वेलकम है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जो जैन के जितने भी तीर्थ या मंदिर हैं वहाँ रुक सकते हो, ऐसे ही आप जो मस्जिद हैं उनके अंदर रुक सकते हैं, वैसे ही जैसे जो टेंपल्स हैं उनमें आप रुक सकते हो या गिरजाघर हैं उनमें रुक सकते हो, उन्होंने बना रखे हैं अपने अपने सेंटर, तो उनके लोग आते जाते रहते हैं। मगर हमारे समाज में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, बहुत सारे अम्बेडकर भवन हैं, बहुत सारे कबीर भवन हैं, बहुत सारे गार्ड के भवन हैं, बहुत सारे सतनामी भवन हैं, बहुत सारे दुर्बलनाथ भवन हैं, बहुत सारे भवन हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये चलते हैं, मगर वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसे जानकारी नहीं होती, नेटवर्किंग नहीं है, उसको पता नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी को आदान प्रदान करने का वी द पीपल का एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म सभी को लगातार जोड़ रहा है ताकि एक दूसरे को मदद मिल सके, चाहे बीमारी है, चाहे वकील की कोई दिक्कत है, चाहे पुलिस की दिक्कत है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई दिक्कत है, या बैंक में कोई काम है, या कोई बिजनेसमैन का काम है, ये लोग आपस में सब जुड़ेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो नेटवर्किंग होगी तो देश में
बड़ी सारी ऊर्जा और पैसा बचेगा, तो आप सबका काम उसमें चलेगा। कोई बिजनेसमैन है और वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको उस जिले में मार्केट मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे जो उससे सामान खरीदेंगे, उसका सामान अगर वो बनाता है तो उसमें शेयर करेंगे, बनाने में काम आएंगे, तो उससे उसका व्यापार बढ़ेगा, तो उसके पास पैसा आएगा, तो वो पैसा और भी लोगों को नौकरी लगा के उनको देगा, तो और ज़्यादा काम अच्छा होगा। ये चीज़ें अच्छी तरह से चलेंगी तो और ज़्यादा लोग संपन्न होंगे, और बहुत ज़्यादा संपन्न होंगे तो खुशहाली बढ़ेगी, तो देश आगे बढ़ेगा। ये सारी बातें देखते हुए ये तय हुआ कि संगठनों को इकट्ठा करने के लिए अपील की जाए, हो जाए तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, वरना साधारण लोगों को परेशानी होगी, वरना साधारण लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो साधारण लोग बहुत तेज़ी से इकट्ठे होने लगे, लगभग 2.5 महीने के अंदर ही बहुत सारे ज़िलों में और बहुत सारी जगह वी द पीपल के नाम से काम चलने लगा। एक वी का लोगो होता है, लोग उसको लगा लेते हैं, वी का लोगो लगाते ही पता चल जाता है कि ये वी का आदमी है। अब फिजिकल मीटिंग भी होने लगी हैं, ज़मीन पर भी मीटिंग होने लगी हैं, लोग एक दूसरे को समझाने लगे हैं, बताने लगे हैं। तो एक सवाल आता है कि नेता कौन होगा इसका, और इसके क्या उद्देश्य हैं, और क्या इसके नियम हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि हमारा जो नेता है वो संविधान है, और संविधान हमारा नेता रहेगा, वो सुप्रीम है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, जानकार, यहाँ तक कि जो वकील हैं, वो भी ये पसंद करते हैं कि नेता कैसे हो जाएगा, नेता तो कोई व्यक्ति तो है नहीं भाई, संविधान तो एक किताब है, अक्षर लिखे हुए हैं, वो कोई जीता जागता तो है नहीं जो कमांड करेगा, जो रेगुलेट करेगा। तो थोड़ा रुकें और थोड़ा समझें कि वो हमारा नेता कैसे है। जैसे 10 कमांडमेंट्स है जो मूसा ने बनाई थी यरूशलम के अंदर, और उन 10 कमांडमेंट्स यानी 10 जो नियम शुरू में बने थे पत्थर पे लिखे हुए, उनसे उन लोगों ने अपना जीवन चलाया, उनको मानकर, उनको रेगुलेट कर। जब वो नियम थोड़े ज़्यादा की जरूरत पड़ी तो उसके बाद ईसा मोहम्मद आए, ईसा मोहम्मद ने फिर कुछ नियम और बनाए, उसको बाइबल बोलते हैं। बाइबल, ईसा जो ईसा मसीह थे वो चले गए, बाइबल रह गई, तो बाइबल चलाती है उन लोगों को, चलाती रही। फिर वो कुछ नियम और आगे बढ़े तो उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्हीं नियमों में कुछ नियम और जुड़े, अब वो बाइबल कुरान हो गई, और वो कुरान को लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही यहाँ जो भारत के अंदर सिख लोग हैं, उनके जो गुरु ग्रंथ साहब है यानी जो किताब है, वही उनका मार्गदर्शक है, वही उनके नियम है, वही उनको चलाती है। ऐसे ही बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद धम्म आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको चलाएगा। तो त्रिपिटक की किताब है, वो सारे बौद्धों को चलाती है। उसी प्रकार में जब तक बाबा साहब अम्बेडकर और वो 300 लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, क्योंकि संविधान पूरे देश ने मिलकर बनाया है, देश के द्वारा बना है और देश के लिए बना है, यानी देश ने बनाया है, अपने लिए बनाया है और अपने आप को रेगुलेट करने के लिए बनाया है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। कहीं कोई ये मुगालता करे कि ये बाबा साहब ने बनाया है, बाबा साहब के लोगों के लिए हैं, बाबा साहब के लोग इसको फ़ायदा उठाएंगे, तो वो गलती पर है। बाबा साहब उसके चेयरमैन जरूर रहे हैं, मगर पूरे देश ने सहमति दी है, पूरे देश ने उसका झंडा, उसके अंदर जो धम्म चक्र है वो, या जो अशोक की लाट का नियम है वो, सारे के सारे पूरे देश ने अप्रूवल किए हैं, पूरा देश ने ठप्पा लगाया है, पूरे देश ने संविधान को अंगीकार किया है। तो संविधान पूरे देश को चलाता है। तो वो 300 के 300 लोग चेयरमैन जो बाबा साहब थे उनके साथ चले गए दुनिया छोड़कर, मगर संविधान पूरे देश का नेता है, रास्ता दिखाता है। दरअसल संविधान ही नेता पैदा करता है। जो ये आप देखते हैं कि आज एक नेता है, आज दो नेता है, या ये कैबिनेट है, ये आती जाती रहती हैं। आपने देखा कितने सारी कैबिनेट आई चली गई, कितने सारे लीडर आए चले गए, कितने सारे प्रधानमंत्री आए चले गए, कितने सारे उप प्रधानमंत्री आए चले गए, कितने सारे राष्ट्रपति आए चले गए, कितने सारे चीफ जस्टिस आए चले गए, कितने सारे अफसर आए चले गए, ये आते जाते रहेंगे, मगर संविधान इंटैक्ट है। और संविधान की एक खास बात है कि वो अपने आप को बदलता रहता है, उसमें एक रास्ता खुला हुआ है। अब के वो बंद किताब नहीं है, वो खुली किताब है। आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो आप मेजोरिटी के साथ उसको बदल सकते हैं, बदला भी है, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो इसलिए संविधान देश को चलाता है, संविधान देश में नेता पैदा करता है, संविधान देश के नेता बनाता है। जब संविधान देश को चला सकता है तो संविधान देश के लोगों को अलग से भी चला सकता है। यानी हम जो लोग हैं वी द पीपल के नाम से जो हैं, उसमें अगर हम संविधान लागू करेंगे तो हम संवैधानिक नियम ही लागू कर रहे हैं। ये और भी अच्छा है कि देश का संविधान हम अपने ही जो यहाँ प्लेटफॉर्म है उस पर हम लागू कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो हम एक तरह से देश के, दो तरह से देशभक्त हो गए। यानी हम भारत के संविधान को जो सब लोग पार्लियामेंट में मानते हैं उसको भी मानते हैं,
और हमने अपना जो सामाजिक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है उस सामाजिक प्लेटफॉर्म में भी हमारा नेता संविधान ही है। तो यहाँ सारी चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग होती हैं। यहाँ जो होता है वो चुनाव होता है यानी इलेक्शन होता है, यहाँ सिलेक्शन नहीं होता और यहाँ मान्यता नहीं होता, यहाँ नॉमिनेट नहीं होता कोई भी व्यक्ति कोई भी काम के लिए, यहाँ सभा होती है, सभा काम करती है। अभी ये बिल्डिंग प्रोसेस में है, जो संविधान का पूरा स्ट्रक्चर के तहत में जो लोग होते हैं वो बन रहे हैं, थोड़े लोग इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने अपना सभापति और उपसभापति चुन के काम चलाना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति या पांच व्यक्ति या पांच व्यक्तियों की समूह क्या नहीं चलता, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो इसको लीड करना चाहें या वो इसका नेता बनना चाहें, बन सकते हैं। संविधान के अंदर प्रोसेस है, संविधान प्रधानमंत्री बनाता है तो संविधान यहाँ भी एक व्यक्ति दो व्यक्ति पूरी कैबिनेट दे सकता है, मगर चुन के आएंगे तो वो जवाबदेह होंगे संविधान के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति तो जवाब देना होगा। इसलिए अगर आप में क्षमता है, आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ विद द पीपल में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप तिगड़म मत भिड़ाइए, यहाँ आके लॉबिंग मत कीजिए, यहाँ आके उल्टी सीधी हरकतें मत कीजिए, यहाँ आके आप काम कीजिए। और अगर आप काम करते हैं और लोगों को पसंद आता है तो लोग आपको सम्मान भी देंगे, मान भी देंगे और संविधान आपको आगे बढ़ाएगा। आप लीड भी कर सकते हैं, लीडर भी बन सकते हैं, पूरी की पूरी विद द पीपल के लीडर भी बन सकते हैं, बशर्ते आप संवैधानिक रूप से काम करेंगे। तो संविधान यहाँ सर्वोपरि है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि संविधान हमारा लीडर है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे वही हैं जो संविधान में हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनको खाना मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको पैसा मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको इज्जत मिले, उनको मान सम्मान मिले और उनको पूरी आज़ादी मिले जो संविधान देता है, बोलने की, चलने की, फिरने की, घूमने की, सारी वही उद्देश्य है, वही उद्देश्य यहाँ पर हैं। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे का एक सीधा सा स्पष्ट है कि जो 10,000 से ज़्यादा संगठन हैं वो सारे के सारे मनुवाद पर आधारित हैं, जिसको आप लड़ते रहते हैं। यानी कि एक बड़े कमाल की बात है कि आप सारे संगठन जितने भी हैं आप ये कहते रहते हैं कि ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। अरे भाई, आपसे ज़्यादा मनुवादी तो कोई है नहीं। आपका जो संगठन का स्ट्रक्चर है वो पूरा मनुवाद पर आधारित है। मनुवाद का मतलब है व्यक्तिवाद पर आधारित, यानी कि आप वहाँ लीडर होते हैं तो आपका चुनाव तो होता नहीं। बहुत ज़्यादा अगर कहीं चुनाव की प्रक्रिया है तो 10-20 लोग कमरे में बैठ जाते हैं, वो आपस में घूमते फिरते वही बना लेते हैं। या कोई चुनाव कराएगा तो क्या करेगा, अपने अपने मेंबर उसमें भर लेगा, फिर उसमें अपने लोगों से कहेगा कि तुम मुझको दो, या कुछ पैसा वैसा दे के या उनको दबा के या उनका काम करके कुछ वोट वोट हासिल करना चाहेगा। काम के दम पे या जो समाज है उसके दम पर चुनाव होने की प्रक्रिया इन संगठनों में कहीं है नहीं। भाई भतीजाबाद है, चुपचाप उनके इलेक्शन होते हैं, कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, ना ही उनका कोई प्रचार होता, ना ही कोई उनके ऊपर ओपन कोई ऐसी खुले में कोई ऐसी विज्ञप्ति आती है कि आज हमारा चुनाव है, जो हिस्सा लेना चाहे ले सकता है। वो बड़े अजीब तरह की प्रक्रिया है, सभी जानते हैं, मगर वी द पीपल इन सबसे अलग है। वी द पीपल में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ओपन होती है, सबके लिए बराबर होती है। जिस व्यक्ति में क्षमता है और जो अच्छा काम करेगा, जो लोकप्रिय होगा, जो लोगों के लिए बढ़िया जाना जाएगा, जो अच्छा काम करेगा, लोग उसको चुन लेते हैं। और खराबी हर जगह हो सकती है, खराब लोग आ भी सकते हैं, तो यहाँ हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। यहाँ कोई ऐसा व्हिप जारी नहीं होता है कि आपके 10 लोगों का समूह है तो आपने गलत है या सही है तो आपको बोलना ही बोलना है। यहाँ जो बाबा साहब का ओरिजिनल संविधान या जो 300 लोगों ने जो ओरिजिनल संविधान बनाया था वही लागू है कि आप अपनी बात इंडिविजुअल और अकेले भी कह सकते हैं, कहीं कोई ग्रुपबाजी यहाँ है नहीं। तो ये काम लगातार लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ सभी तरह का काम चलता है, महिलाओं का, बच्चों का, छात्रों का, बिजनेस का, डॉक्टर का, टीचर का, इंजीनियर का, सफाई कर्मी का, हर तरह के विचार विमर्श और हर तरह के लोग यहाँ लगातार रहते हैं, जो अभी वर्चुअल मीटिंग पर मिल रहे हैं, जल्दी ही फिजिकल मीटिंग पर भी मिलेंगे। तो उद्देश्य स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, नीति वही है जो संविधान के अंदर है, उद्देश्य वही है जो संविधान के अंदर है, और संविधान ही हमारा लीडर है। यहाँ सब चीज़ बिल्कुल ओपन है, जैसे भगवान बुद्ध ने सारे काम पेड़ के नीचे किए और जीवन भर उन्होंने ओपन में सारे काम किए, वही विनय पिटक के नियम यहाँ लिए गए हैं संगठन को बनाने के लिए, जिससे दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने संघ बनाए, संगठन बनाए, वही इस प्लेटफॉर्म में लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वही विनय के नियम ऐसे के ऐसे जो बुद्ध ने अपने संघ में लागू किए। इसलिए कोई छुपाव या कोई छुपने वाली बात इसमें कभी रहेगी नहीं। संविधान भी ओपन है और विनय पिटक भी ओपन है, दोनों ही यहाँ लागू होते हैं इसको चलाने के लिए। तो ये बड़ी क्लियर और बहुत स्पष्ट बात है। इसलिए कोई अगर आपको डाउट है तो विद द पीपल के किसी भी मीटिंग में या किसी प्लेटफॉर्म में आके आप
पूछ सकते हैं, लोग इसमें आपको खुद ही जवाब दे देंगे क्योंकि दोनों ही चीज़ें ओपन होती हैं। तो इस पूरे के पूरे विद द पीपल का अभी एक ही एजेंडा है, एक ही काम है, जुड़ो और जोड़ो। जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे और जीतेंगे। बस आपको एक ही काम करना है कि लोगों को जल्दी से जल्दी ये बताना है कि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि संघ में शक्ति होती है, इकट्ठे होने में शक्ति होती है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि अलग अलग संगठन बना के संगठित होना है। अलग अलग संगठन बनाकर तो व्यक्ति विखंडित होता है, टुकड़े होते हैं उसके, इकट्ठा कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद।